अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर में चैप्टर 11 हीट। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन टॉपिक्स का नाम कैलोरी मीटर, इसके बाद इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है वो डिस्कस करेंगे और गैस के मुख्तलिफ लॉज हैं इन पर बात की जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं कैलोरी मीटर के बारे में। देखिए मिसाल के तौर पर जब हम हीट और टेम्परेचर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस का नाम होता है सोर्स। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है थर्मोमीटर। ठीक उसी तरीके से अगर हमें हीट को मेजर करना हो तो हीट को मेजर करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करेंगे उसे कहा जाएगा कैलोरी मीटर। वॉट इज कैलोरी मीटर? कैलोरी मीटर एक डिवाइस है जो क्या करती है, जो मेजर करती है स्टूडेंट्स हीट को कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना हीट लॉस हो रहा है, कितनी हीट गेन हो रही है, उसे कैलोरी मीटर कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अ डिवाइस विच मेजर्स द हीट लॉस और गेन बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग अ रिएक्शन। एक ऐसी डिवाइस कैलोरी मीटर कहलाती है जिसकी मदद से आप क्या करें, हीट को मेजर करें किसी ऑब्जेक्ट में कितनी हीट लॉस हो रही है और कितनी गेन हो रही है, इसी को आप कैलोरी मीटर कहते हैं स्टूडेंट्स। कैलोरी मीटर किस तरह का दिखता है आप ये देख सकते हैं। कैलोरी मीटर कॉपर का बल्ब बना सकता है, इसके अलावा फूड चिप का हो सकता है, मटेरियल का ब्रास का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, मतलब हम मेटल के कैलोरी मीटर की बात करें तो किसी भी मेटल का कैलोरी मीटर बने एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। तो ये कैलोरी मीटर की कुछ इस तरह की शेप होती है। कैलोरी मीटर के मुताबिक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 11.5, ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 90 पर मौजूद है। क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि हमारे पास अ पीस ऑफ 50 ग्राम ऑफ मेटल, एक पीस है मेटल का और उसका मास बताया गया है 50 ग्राम। तो सबसे पहली बात हमें बताई गई है एम मास है और कैपिटल एम का मतलब मेटल का। तो मास ऑफ मेटल इक्वल्स टू 50 ग्राम। तो अब 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल इज हीटिंग और सामने गर्म किया है, कितने टेम्परेचर पर गर्म किया, सामने 100 डिग्री पर गर्म किया, इतनी हीट सप्लाई की कि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया। एंड देन ड्रॉप इनटू अ प्रॉपर कैलोरीमीटर ऑफ मास 400 ग्राम। और उसके बाद हमने इसे कहाँ पर रखा है, उसके बाद हमने इसे कैलोरीमीटर पर रखा है जिसका मास कितना था 400 ग्राम का। उस कैलोरीमीटर पहले से क्या मौजूद था, कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ वाटर इनिशियली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। इफ द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि पहले जो मेटल था उसका टेम्परेचर 100 डिग्री और पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री था। अब इस पानी के अंदर जब आप मेटल के पीस को शामिल करेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि मेटल जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा और पानी के अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, यानी मेटल की साइड से हीट लॉस हो रही है और पानी के साइड से हीट गेन हो रही है। तो दोनों ही यानी हीट का लॉस होना और हीट का गेन होना, यानी एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर का बढ़ना और एक का कम होना एक का ज़्यादा होना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर रुक जाएगा जिसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पर आ रहा है, 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड आयरन का भी हो जाएगा, पानी का भी हो जाएगा, कैलोरी मीटर का भी हो जाएगा, यानी 100 डिग्री से आयरन का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा और 22.4 पे आगे रुक जाएगा। इस पर क्यों होगा, क्योंकि इस पर आपका जो सिस्टम है पूरा का पूरा वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर आ गया। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई हॉट बॉडी नहीं है कोई कोल्ड बॉडी नहीं है, सबका टेम्परेचर एक सा हो गया है और वो कितना है 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, ये बताइए यहाँ पर जो हम मेटल यूज़ कर रहे थे 50 ग्राम का इसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, ये हमें मालूम करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एंड वाटर आर, स्पेसिफिक हीट कॉपर की होती है 386 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। तो क्वेश्चन कुछ ये है हमारे के मेटल का पीस है जिसका मास 50 ग्राम था, इस 50 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है स्टूडेंट किलोग्राम में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करिए तो जवाब आ जाएगा 0.05 kg। टेम्परेचर ऑफ मेटल, क्वेश्चन टेम्परेचर मेटल कितना शुरू में गिवन था आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टी यानी टेम्परेचर, एम यानी मैटर, टी एल टेम्परेचर ऑफ मैटर विच इज इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड,
फाइनल टेम्परेचर कितना था स्टूडेंट जब आपने शामिल कर दिया आयरन के पीस को या लेट्स सपोज किसी मेटल के पीस को, तो उसके बाद टेम्परेचर जो है हो गया था 20.4, दैट इज फाइनल टेम्परेचर। मास ऑफ कैलोरी मीटर, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन है कैलोरी मीटर ऑफ मास 400 ग्राम है, तो कैलोरी मीटर का मास कितना है, एम मास ही कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर का मास है 400 ग्राम। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो वी गेट 0.4 kg, 0.4 किलोग्राम, यानी हमने डिवाइड बाय 1000 किया है 400 को, तो हमें आंसर कितना मिला है 0.4 kg। मास ऑफ वाटर स्टूडेंट्स, तो वाटर का मास कितना है मेरे पास 400 ग्राम है, तो उसको डिवाइड बाय 1000 करें मास ऑफ वाटर को, तो kg में आ जाएगा ये 0.4 kg। टेम्परेचर ऑफ वाटर, टी टेम्परेचर डब्ल्यू वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ वाटर ये भी मुझे यहाँ पर मेंशन था, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि स्टूडेंट कैलोरी मीटर का टेम्परेचर 20 डिग्री है, उसकी वजह क्योंकि पानी कहाँ पे मौजूद है, कैलोरी मीटर पे मौजूद है, तो कैलोरी मीटर पानी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, यानी हम नहीं कह सकते कैलोरी मीटर गर्मी में, हम नहीं कह सकते पानी का टेम्परेचर कुछ और है, तो दोनों ही टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर पर है और दोनों का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम कह सकते हैं कैलोरी मीटर एंड वाटर एक्चुअली दे आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पर है इट मीन्स दे बोथ हैव द सेम टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर या स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप मेंशन है यहाँ पर कि कैलोरी मीटर कॉपर का बना हुआ है, तो कैलोरी मीटर की स्पेसिफिक हीट लिखिए या कॉपर की लिखिए बात नहीं की, हमने मेंशन किया स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरी मीटर, कैलोरी मीटर इज मेड अप ऑफ कॉपर विच इज इक्वल टू 386 जूल पर किलोग्राम केल्विन, तो कैलोरी मीटर की स्पेसिफिक हीट आ गई मेरे पास 386। जबकि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है स्टूडेंट, यानी सी स्पेसिफिक हीट का सिंपल है W, यानी वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल स्टूडेंट गिवन है CM, सी स्पेसिफिक हीट M मेटल की गिवन, हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल हम फाइंड करना चाह रहे हैं जबकि दो स्पेसिफिक हमें गिवन है, एक पानी की गिवन है 4200 और कॉपर की गिवन है 386। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था और इसका डाटा कंप्लीट हो गया है, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। यहाँ पर स्टूडेंट लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज कैसे अप्लाई हो रहा है, तो आप जानते हैं यहाँ पर दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट मेटल है जो हाई टेम्परेचर पर है, और कितने हाई टेम्परेचर पर था स्टूडेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, और एक ऑब्जेक्ट था जिसका टेम्परेचर कम था पानी, और वो पानी कहाँ रखा हुआ है कैलोरी मीटर में, तो कैलोरी मीटर का भी 20 टेम्परेचर है और पानी का भी 20 है, इसे कोल्ड बॉडी कहेंगे आप। हम ये बात जानते हैं अच्छे तरीके से कि हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो उसमें से हीट निकलती है, वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने की तरफ जाता है, यानी हर गर्म चीज़ कुछ देर पर ठंडी होती है, इसका मतलब ये होता है कि उसमें से हीट निकल रही है या हीट ज़ाया हो रही है, हीट लॉस्ट कर रहा है, तो हीट लॉस्ट हॉट ऑब्जेक्ट करेगा या हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट करेगा स्टूडेंट्स। जबकि हीट गेट के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, तो हीट गेट कौन सा ऑब्जेक्ट करता है, अगर मेरे पास एक पानी का गिलास है कोल्ड वाटर्स में मौजूद है तो उसका टेम्परेचर स्टूडेंट्स कम है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जानते हैं वो जो ठंडे पानी का गिलास है वो कुछ देर में गर्म हो जाएगा खुद को, इसका मतलब उसमें हीट इन हो रही है, हीट आ रही है, इट मीन वो हीट गेन कर रहा है, अगर वो हीट गेन कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि कोल्ड बॉडी का काम है हीट को गेन करना, हॉट बॉडी का काम है हीट को लॉस्ट करना। तो हमने उसी एतबार से ये बात लिखी है कि हीट लॉस कौन करता है, मेटल, हमने मेटल का जिक्र यहाँ पर क्यों किया, इसलिए जिक्र किया मेटल का कि मेटल जो है किस टेम्परेचर पर था, मेटल था 100 डिग्री पर, इसलिए और पानी और कैलोरी मीटर ये दोनों ऑब्जेक्ट किस टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स, ये 20 डिग्री पर है, तो हाई टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट ये हुआ मेटल और लो टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्या हुआ कैलोरी मीटर एंड वाटर, दे बोथ आर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट मींस हीट लॉस बाय मेटल इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर एज वेल हीट गेन बाय कैलोरी मीटर। तो हमने इसी जो लाइन लिखी है इस लाइन को नाम दिया लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का। तो व्हाट इज लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी, हियर हॉट बॉडी इज मेटल, हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, इन आर एग्जांपल कोल्ड बॉडी इज वाटर एज वेल एज कैलोरी मीटर। तो हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, मेटल से वाटर और कैलोरी मीटर की तरफ हो रहा है, क्यों, क्योंकि मेटल 100 डिग्री पर है, वाटर और कैलोरी मीटर कितने डिग्री पर है, 20 डिग्री पर है,
इसी मुनासिबत से हमने इस फॉर्मूले को जो डेवलप कर लिया। अब डेवलप करने के बाद स्टूडेंट हम यहाँ पर इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हीट का, और हीट एनर्जी को डिटरमिन करने का फॉर्मूला बहुत ईजी है। वहाँ पर तीन फैक्टर्स पर बात की जाएगी हीट को डिटरमिन करने के लिए। एक ये देखा जाएगा मैं जिस ऑब्जेक्ट को गर्म कर रहा हूँ उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, बी सी पे बात की जाएगी। इसके अलावा मुझे देखना है कि मैं जो ऑब्जेक्ट गर्म कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है यानी एम, और साथ में मुझे यह देखना है कि हीट सप्लाई करने के बाद टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है यानी डेल्टा टी। तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हीट एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए मुझे तीन बातों का पता होना ज़रूरी है। वो तीन बातें कौन सी है स्टूडेंट, एक सी है, एक एम है, एक डेल्टा टी है। सी स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, एम डिनोट मास, डेल्टा डिफरेंस, टी टेम्परेचर। सो हीट एनर्जी कैन बी डिटरमिन्ड बाय सी एम डेल्टा टी। तो यहाँ पर हमें हीट एनर्जी किसकी कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट, तो हमें हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है मेटल की, के मेटल ने कितनी हीट लॉस की है। इसके बाद मुझे कैलकुलेट करनी है वाटर की, वाटर ने कितनी हीट गेन की है। उसके बाद हीट कितनी कैलोरीमीटर ने गेन की है। इट मीन्स मुझे इस मामले को एक बार नहीं कॉपी करना, मुझे इस मामले को तीन बार कॉपी करना है, क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी तीन ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड, मेटल के लिए भी है, कैलोरीमीटर के लिए भी और वाटर के लिए भी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हीट का ये फॉर्मूला तीन बार हमें नोट डाउन करना चाहिए। तो हमने तीन बार नोट किया स्टूडेंट, एम मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, देखिए तीन बार आ रहा है एम मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, और यहाँ पर भी हमने उसी को रिपीट किया। तो पहला वाला फॉर्मूला किसके लिए आ रहा है, पहला वाला फॉर्मूला मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात को लिखने के लिए हमने मास के साथ एम का वर्ड यूज किया जो रिप्रेजेंट करेगा मास ऑफ मेटल को स्टूडेंट। सी के साथ एम आ रहा है, सी स्पेसिफिक हीट है, एम मेटल है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, डेल्टा चेंज टी टेम्परेचर, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, एम मेटल का। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकेंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर के हवाले से है, एम डब्ल्यू मास ऑफ वाटर, सी डब्ल्यू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा चेंज टी टेम्परेचर, डब्ल्यू यानी वाटर का। फिर इसी मुनासिबत से कैलोरीमीटर के लिए हीट का फॉर्मूला हमने डेवलप किया, मास ऑफ कैलोरीमीटर, सी स्पेसिफिक हीट, सेकेंड जो सी आ रहा है कैलोरीमीटर के लिए आ रहा है, डेल्टा टी सी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। तो ये हमने इस फॉर्मूले को ही तीन बार नोट डाउन कर लिया, पानी के लिए अलग किया, कैलोरीमीटर के लिए अलग किया, वाटर के लिए मेटल के लिए अलग किया। अब स्टूडेंट डेल्टा की जब बात आती है तो डेल्टा का मतलब होता है टेम्परेचर का चेंज फाइंड करें, डेल्टा मीन्स चेंज इन टेम्परेचर डिटरमिन करें। तो टेम्परेचर का चेंज कैसे डिटरमिन करते हैं, तो बहुत आसान तरीका है स्टूडेंट कि आप दो टेम्परेचर का डिफरेंस लेते हैं, वो दो टेम्परेचर कौन से हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन के अंदर शुरू में एक बात बताई जाती है कि टेम्परेचर ऑफ मेटल जो है इनिशियली कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जब इसे हमने पानी के अंदर ड्रॉप किया था तो फाइनल टेम्परेचर स्टूडेंट कितना हो गया था, 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री से मेटल का टेम्परेचर कहाँ पे जाएगा, 22 डिग्री पर जाएगा। इट मीन्स मेटल जो है हीट को लॉस कर रहा है, हमने भी ये लिखा था कि हीट लॉस बाय मेटल। तो 100 इसका इनिशियल है, 22 इसका फाइनल है, हमें इनका डिफरेंस चाहिए। तो हमें इनके डिफरेंस के लिए क्या करना होगा, 100 में से 22.4 को माइनस करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो 100 डिग्री है वो टी एम है, टेम्परेचर ऑफ मेटल, और 22.4 क्या है, फाइनल टेम्परेचर है। तो टी एम 22.4 है जबकि टी एम 100 डिग्री है। हमने डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट देखें यहाँ पर डिफरेंस पुट करना था हमने, तो टी एम में से टी एम को माइनस किया। इसी तरीके से जब मैं डेल्टा टी डब्ल्यू निकालूंगा डिफरेंस वाटर के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या है। तो इनिशियली टेम्परेचर जो वाटर का था वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनली कितना हो गया था स्टूडेंट, फाइनली हो गया था 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर के केस में स्टूडेंट ये हुआ था कि वाटर जो है हीट गेन करता है, और हमने भी मेंशन किया है वाटर के केस के अंदर कि हीट गेन बाय वाटर, यही वजह है कि पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ जाता है, और कितना बढ़ जाता है, बढ़कर हो जाता है 22.4 डिग्री। तो वाटर के केस में इनिशियल टेम्परेचर है टी डब्ल्यू 20 डिग्री, और फाइनल टेम्परेचर स्टूडेंट कितना है, 22.4 डिग्री।
अब इनका डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस के लिए हमें यहाँ पर अगेन क्या करना है, 22 यानी हायर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना है। तो हायर वैल्यू 22.4 TF की है, हायर वैल्यू 22.4 TF की है फाइनल टेम्परेचर रेस्टोरेंट, और इनिशियल वैल्यू जो गिवन है वो TW है। तो हमने लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू को देख ली, और हायर में से लोअर को का डिफरेंस चेक करना है, यानी TF में से TW को माइनस करना स्टूडेंट। तो TF माइनस TW मेटल के केस में स्टूडेंट हमने क्या किया था, अगेन सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, बेटर केस में TM में से TF माइनस किया, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, यही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे हम कैलोरीमीटर के कॉन्सेप्ट के लिए, डेल्टा TC डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फॉर कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के टेम्परेचर में जो फर्क आता है स्टूडेंट, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर इनिशियल कितना था, तो कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर वही था जो पानी का था। शुरू में से बात की थी हमने कि इनिशियली कैलोरीमीटर का टेम्परेचर भी कितना है, 20 डिग्री के इक्वल है, और फाइनल टेम्परेचर स्टूडेंट कितना है, 22.4 डिग्री है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर भी हमें करना चाहिए 22.4 में से 20 डिग्री को माइनस करना चाहिए, यानी TF में से TC या TW दोनों का मतलब एक है। जो वैल्यू टेम्परेचर ऑफ वाटर है इनिशियली, वही टेम्परेचर कैलोरीमीटर का भी है। तो आपकी मर्जी TF माइनस TW लिखिए यहाँ पर, या TF माइनस TC को लिख दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, डेल्टा TM के लिए TM माइनस TF, डेल्टा TW के लिए TF माइनस TW, डेल्टा TC के लिए TF माइनस TC जहन में रखना है। कोल्ड बॉडी के लिए फाइनल पहले लिखना है, कोल्ड बॉडी के केस में फाइनल शुरू में आएगा, और हॉट बॉडी के केस में फाइनल माइनस के बाद लिखना है। इस बात को हमें जहनशील रखना है कि TF माइनस के बाद कब आएगा और माइनस से पहले कब आएगा। कोल्ड बॉडी के केस में माइनस से पहले आ रहा है, और हॉट बॉडी के केस में माइनस के बाद आएगा। TF we should have written TF after minus sign in the case of hot body, और इसी तरीके से अगर cold body के वाले से बात करूँ तो minus के पहले लिखना है आपने। Now students, we are going to substitute the values. Mass of metal equal to 0.05 kilogram. अगर आपको याद हो मेरा students के शुरू में mass of metal कितना था, 50 ग्राम था। अगर मास ऑफ मेटल में 50 ग्राम्स था तो हमने इसको कन्वर्ट किया था किलोग्राम में, 50 डिवाइड बाय 1000, तो 50 डिवाइड बाय 1000 करने में जवाब मिला 0.05 kg। तो मास ऑफ मेटल 50 ग्राम व्हिच इज 0.05 kg। CM, सी स्पेसिफिक हीट एंड मेटल, स्पेसिफिक और मेटल यहाँ पर अननोन वैल्यू है जिसको हमें डिटरमिन करना है। TM, टेम्परेचर ऑफ मेटल कितना है स्टूडेंट, TM 100 डिग्री है, TM 100 डिग्री है, तो TM की जगह 100 डिग्री। TF फाइनल टेम्परेचर which is equal to 22.4 degree, m mass, w water, mass of water, so student mass of water 400 grams tha, 400 grams yani in kilogram equals to 0.4 kg, so divide by 1000 kya hai 0.4 kg, cw specific heat of water which is equal to 4200 joule per kilogram kelvin, cw ki value 4200, tf aur tw final temperature student 22.4 hai और टेम्परेचर ऑफ वाटर 20 डिग्री है, तो हमने यहाँ पर 22.4 में से 20 को माइनस किया। मास ऑफ कैलोरीमीटर 0.4, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर 386, टेम्परेचर फाइनल 22.4 और टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर 20 डिग्री। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने डेटा के अकॉर्डिंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है कि 100 में से 22.4 को माइनस करेंगे तो 77.6 का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये होगा कि हॉट बॉडी का टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, 78 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ है, यानी मेटल का टेम्परेचर 100 डिग्री था तो उसमें चेंज कितना आ रहा है, 77 डिग्री का चेंज आ रहा है, जबकि पानी का टेम्परेचर कितना था, 22.4 और 20 इनका डिफरेंस था जो कि 2.4 डिग्री आया, तो पानी का टेम्परेचर 2.4 डिग्री चेंज हुआ है और कैलोरीमीटर का भी 2.4 डिग्री का टेम्परेचर चेंज हुआ है। हॉट बॉडी का 77 डिग्री या 78 डिग्री चेंज हुआ है, बाकी दोनों केसेस में वाटर और कैलोरीमीटर में 2.4 डिग्री का चेंज आया। स्टूडेंट फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 0.05 और 77.6, 0.05 77.6 इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 3.88 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें 3.88 आंसर मिलेगा, जबकि 0.4 4200 2.4 इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 4032, 0.4 386 2.4 = 370.56, ये इनका प्रोडक्ट आया।
अब हम इन दोनों जो प्रोडक्ट हमें आंसर मिल रहे हैं इन दोनों आंसर्स को प्लस करते हैं, तो प्लस करने के बाद मिलेगा हमें 4402.56। हमें कैलकुलेट करना है सी एम, सी स्पेसिफिक हीट एम मेटल, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल को ट्रीट करने के लिए 3.88 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें डिवाइड करना चाहिए, तो 3.82 डिवाइड किया और डिवाइड करने पे आंसर मिला हमें 1134.68 जूल पर किलोग्राम केल्विन, यानी जो मेरे को मेटल यहाँ पर यूज़ हो रहा है उस मेटल की जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है स्टूडेंट, वो स्पेसिफिक हीट है 1134.68 उस मेटल की स्पेसिफिक जो हमारे इस केस के अंदर यूज हुई। ये तरीका था स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई करने का। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है गैस लॉस। गैस लॉस है क्या, इनको डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस नीड टू स्टडी लॉस प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड मोल यूज टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस। स्टूडेंट हम जानते हैं इस बात को कि मैटर जो है आमतौर पर हम तीन स्टेट्स में देखते हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। सॉलिड और लिक्विड को स्टडी करना हमारे लिए आसान है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, तो अंडरस्टैंड करना इसको एज सच डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन जब बात आती है गैस के हवाले से, तो गैस के बारे में जब हम डिफाइन करते हैं तो गैस एक ऐसी चीज़ होती है स्टूडेंट जिसका ना तो डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो हम गैस को पहली बात देख नहीं सकते, तो गैस को क्योंकि विजुअलाइज नहीं कर सकते तो गैस के बिहेवियर को समझना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो हम गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, गैस की स्टेट को जानने के लिए, किसी गैस को समझने के लिए मुख्तलिफ लॉस को स्टडी करते हैं। जैसे कि न्यूटन्स के लॉस थे तो हम न्यूटन्स के लॉस को मोशन को स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरीके से जब गैस लॉस की बात की जाती है तो गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें गैस लॉस की ज़रूरत पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि गैस लॉस हैं क्या और गैस के बिहेवियर कैसे अंडरस्टैंड करें। तो गैस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ हमने पैरामीटर सेट किए हैं, उनमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मोल्स हैं। हम इन पैरामीटर को बेस बनाकर किसी भी गैस के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस गैस का बिहेवियर क्या है। तो अगर आपको किसी गैस की स्टडी करनी है तो गैस की स्टडी करने के लिए आपको किन पैरामीटर्स पर बात करनी होती है, द प्रेशर ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम, द टेम्परेचर एंड मोल्स यूज्ड ऑफ अ गैस। तो हमें इन पैरामीटर्स को डिस्कस करना है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ गैस। सो स्टूडेंट ये चार क्वांटिटीज थी, जब हम गैस लॉस की बात करेंगे चार क्वांटिटीज कौन सी हैं, एक प्रेशर है, एक वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मोल्स है। तो जब गैस लॉस की स्टडी की जाएगी तो गैस लॉस को समझा जाएगा, तो गैस लॉस बेसिकली लॉ जो है इन चार क्वांटिटी के बिटवीन ही होता है, जिसमें हम दो क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं, दो क्वांटिटी को वेरिएबल कर देते हैं, एंड फोर क्वांटिटीज टू क्वांटिटीज रिमेन सेम, द अदर टू वेरी एंड सेट टू बी गैस लॉस। तो गैस लॉस में हमें क्या करना है, दो पैरामीटर तब्दील करने हैं स्टूडेंट्स और बाकी दो पैरामीटर्स को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे। मिसाल के तौर पर गैस के मुख्तलिफ लॉज हैं, जिसमें पहला अगर लेट्स में बात करते हैं बॉयल्स लॉ के हवाले से, तो बॉयल्स लॉ के अंदर भी यही होता है कि चार पैरामीटर में से हम दो पैरामीटर को वेरी करते हैं, दो पैरामीटर को तब्दील करते हैं, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम होता है, बाकी दो पैरामीटर को हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, टेम्परेचर और मोल्स को। इस तरीके से अगर मैं आपसे बात करूँ चार्ल्स लॉ के हवाले से, तो चार्ल्स लॉ के अंदर भी यही कुछ होता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर को हम वेरी करते हैं, जबकि प्रेशर और मोल्स को हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हैं। इसी तरह अगर प्रेशर लॉ की बात करूँ तो प्रेशर लॉ के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी किया जाता है,
जबकि वॉल्यूम और मोल्स को कांस्टेंट रखा जाता है। तो जितने भी हमने गैस लॉस के नाम अभी सुने, बॉयल्स लॉ हो, चाहे चार्ल्स लॉ हो, चाहे प्रेशर लॉ हो, ये सारे लॉज दरअसल इन्हीं क्वांटिटीज ही को एक्सप्लेन करते हैं। और इन क्वांटिटीज के अंदर दो क्वांटिटी को वेरी रखा जाता है, दो क्वांटिटीज को तब्दील किया जाता है, बाकी दो क्वांटिटीज को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बॉयल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म, चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी।